हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन अन्नपूर्णा किचन विद रेखा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं मटर की खस्ता कचौड़ियाँ। सर्दियों में मटर का नाम सुनते ही बस खस्ता करारी कचौड़ियों की याद आ जाती है। और अगर ये खस्ता कचौड़ी हमको परफेक्ट रेसिपी के साथ बनाने मिल जाए, इसकी बात ही क्या है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटर की खस्ता कचौड़ियाँ। तो चलिए कचौड़ियाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले ये डो तैयार कर लेते हैं, जिसमें देखिए फ्रेंड्स हमने 2 कप मैदा लिया है और ये जो 1/4 कप हमने तेल लिया है ये अब हम इसमें मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये मोमन मिला लेंगे और ये देखिए हमें इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल, हमको इस तरह से चेक करना है कि मैदा इस तरह बंधने लगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब 1 कप में हमने ये पानी लिया है, अब हम पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस डो को हमको बहुत ही सॉफ्ट लगाना है और पहले टाइट से स्टार्ट करना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बढ़िया हाथों से मसलते जाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम डो तैयार करेंगे तो कचौड़ियाँ जो है बढ़िया से फूलेंगे। पहले हमको टाइट आटा लगा के तैयार करना है, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल देखिए इतना सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये परफेक्ट किस तरह से होता है, जब हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये अपने आप फूलने लगेगा। ये देखिए ये फिर से उसी स्टेज में आ जाएगा जिस स्टेज में था। कई लोग कहते हैं कि हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से फूलती नहीं है, हमारी कचौड़ियाँ फट जाती हैं, तो इसमें जो मैन है ये हमारा डो ही है। अगर ये परफेक्ट तरीके से लग जाएगा ना तो हमारी कचौड़ियाँ फूलेंगी भी और वो कभी फटेंगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें इसको इससे ढक के रख देंगे। जब तक ये हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम मटर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फिलिंग के लिए हमने ये ग्रीन फ्रेश मटर ले ली है और ये हरा धनिया ले लिया जिसको हमने धो के रख लिया है बढ़िया। 1 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक लिया है और ये 1/2 ऑनियन प्याज लिया है जिसको हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 स्पून ऑयल डाल के मटर को डाल के हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसका कच्चापन चला जाएगा और ये हल्की सौंधी सौंधी हो जाती है फ्रेंड्स ये मटर। अगर हम इसको रोस्ट ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिलिंग को हम काफ़ी टाइम के लिए रखना चाहते हैं फ्रिज में, हम आराम से इसको 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। तो अगर हम इसको रोस्ट कर लेंगे तो फिर आराम से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके टेस्ट भी चेंज नहीं होता है। हमने मटर को रोस्ट करके इस बाउल में निकाल लिया है और अब हम ये मिक्सी का जार लेंगे, जिसमें हम ये हरा धनिया जिसको हमने धो के साफ करके कट कर लिया है, ये थोड़ी सी प्याज, अदरक और हरी मिर्ची, इसको भी हमने अच्छे से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है जिससे ये महीन हो जाए और फिर बाद में हमको ये मटर डाल देने हैं। फ्रेंड्स, हमको मटर को हल्का दरदरा ही पीसना है। जब फिलिंग में मटर दरदरी रहती है तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए ये किस तरह से हल्का मोटा सा मटर दिख रही है, ये तैयार हो गया है। मैं बस इसी तरह की मटर रखनी है, ये देखिए इतना ही मोटा हमको पीसना है। तो चलिए अब हम फिलिंग के लिए मसाले निकाल लेते हैं इस बाउल में। तो इसमें हमने ये 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और ये 1 फुल स्पून हमको सौंफ पाउडर लेना है। हमारे पास सौंफ पाउडर नहीं था तो हमने इसको हल्का दरदरा पीस लिया है और ये 1/2 स्पून से थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर लेना है, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून काला नमक और ये 1/2 स्पून वाइट नमक लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे उसी कढ़ाई को रख दिया है और ये देखिए हमने 1 स्पून फॉर्चून ऑयल डाल दिया है। इसमें हमें बिल्कुल ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें 1 चुटकी हींग, थोड़ा सा जीरा और फ्रेंड्स जो ये मसाले हमने बाउल में निकाल लिए थे ये सारे मसाले हम डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद हमको गैस की फ्लेम को स्लो कर लेना है और अब हमको इसमें 2 स्पून बेसन मिला देना है। इस मसाले के साथ ही बेसन को भी भून लेंगे। बेसन को हमको बिल्कुल स्लो फ्लेम में भूनना है।
बेसन को भुनने में लगभग 2-3 मिनट लग सकते हैं। चलाते चलाते हमको लगेगा कि बस थोड़ा सा ऑयल निकल, ऑयल छोड़ दिया है मसालों ने, तो बस हम इसमें ये जो ये पीस के पेस्ट बनाया हुआ था ना, हम इसको डाल देंगे। हमको इसको बढ़िया से मून लेना है। फ्रेंड्स, इसमें बेसन से पहला होता क्या है, ये मटर जो अलग अलग रहती है ये बिल्कुल जुड़ जाती है, मतलब ये बाइंडिंग का काम करता है, और दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो आप इसको डालना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत अच्छा लगता है इस फिलिंग में। अब इससे बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है फ्रेंड्स, मेरा मन तो बस कर रहा है कि इसको अभी खा लूँ। वैसे तो आलू की कचौड़ियाँ भी बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन आप मटर की कचौड़ियाँ खाएंगे ना फ्रेंड्स, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फिलिंग बनके तैयार हो गई है, तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमने फिलिंग को तैयार किया है तब तक ये हमारा डो बढ़िया से सेट हो गया है। अब हम इसको बढ़िया हल्के हाथों से मसलते हुए ऐसे फैला लेंगे। अब हम इसको नाइफ़ की हेल्प से बढ़िया इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमको इस फिलिंग को भी राउंड राउंड करके ये गोले बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमको बस ये जो फिलिंग है ये थोड़े ही कम रखनी है। ये देखिए हमारा ये आटा है, और ये देखिए ये हमारी फिलिंग है। इस तरह से हमको ये लोइयाँ बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको करके दिखाते हैं। पहले हम इसको हाथ से ऐसे ऐसे फैलाएंगे इस तरह से, ये बहुत ही आराम से फैल जाना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट आटा है। और अब देखिए हम इस फिलिंग को भरेंगे, और ऐसे करते हुए बेलने से फ्रेंड्स होता क्या है कि कभी कभी हमारी ये फिलिंग बाहर निकल आती है, तो अगर आप हाथ से करेंगे तो फिलिंग बाहर निकलने के चांसेस ही नहीं है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से, इसमें बिल्कुल कहीं कट नहीं लगा होना चाहिए। ये देखो इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है इसे। इस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे, बहुत मोटा नहीं बनाएंगे इसको, हमको पतला ही बनाना है। इस तरह से हम इसको पतला कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है, और इस तरह से हमको ये कचौड़ियाँ तैयार कर लेनी है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमको तेल को हल्का ही गर्म करना है, और अब हमने ये कचौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं इसमें कितने हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, तो बस तेल को बिल्कुल हल्का सा ही गर्म करना है। फ्रेंड्स, अगर हमको बिल्कुल मार्केट स्टाइल खस्ता कचौड़ी बनानी है ना, तो हमको मोयन 1/4 कप ही यूज करना है। लेकिन अगर हम हेल्दी कचौड़ी बनाना चाहते हैं डेली में अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो हम इसमें कम मोयन का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी हमारी कचौड़ी बढ़िया परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कचौड़ियाँ कैसे फूल गई हैं, देखिए ये बढ़िया फूल गई हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं फैली है। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं ना, तो ये बिल्कुल देखिए इसकी फिलिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकली है, और ये कितने बढ़िया से फूल गई हैं। हमको इन कचौड़ियों को बहुत आराम से और सावधानी पूर्वक सेकना है फ्रेंड्स, एकदम स्लो गैस में। ये मार्केट स्टाइल बिल्कुल खस्ता कचौड़ी बनके तैयार होंगी। हम इनको पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कचौड़ियाँ लाइट ब्राउन हो गई हैं, और अब हम इन्हें आराम से निकाल लेंगे इस प्लेट में। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, और देखिए ये किस तरह से गोल बिल्कुल फूली हुई हैं कचौड़ियाँ। ये बहुत अच्छी कचौड़ी बनके तैयार हुई हैं, और ये बहुत ही खुश्क हैं। ये देखिए हम इन कचौड़ियों में ऐसे
टमाटो सॉस लगा के इन्हें सर्व करेंगे, इससे इनका टेस्ट और भी बढ़िया लगने लगता है। वैसे तो इन कचौड़ियों को आलू की सब्जी से, हरी धनिया की चटनी से और किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, लेकिन ये टमाटो सॉस के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे गार्डन में कुछ हरी धनिया के फ्लावर आए हुए थे तो हमने ये निकाल लिए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। ये देखिए इसमें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी खस्ता कचौड़ी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मटर की कचौड़ियाँ कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको ये कचौड़ी तोड़ के दिखाते हैं ये कितनी करारी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से फूली है और बढ़िया एक से भरी हुई है। और ये देखिए, ये करारी तो बहुत बढ़िया बनी है। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी खुश्क है ये कचौड़ी, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स।